अगर किसी को बुलाना हो या घर पे चावल कुकर में पकाना हो, सीटी बजाने की कोई जरूरत नहीं है। जी हाँ, माँ के हाथ का खाना स्वादिष्ट तो जरूर होता है, बट क्या हमारे जो पुराने जो तरीके हैं खाना बनाने के, क्या वो एनर्जी एफिशिएंट है? चलिए आज हम उसका एक प्रैक्टिकल डेमो देखते हैं और स्वाद के साथ साथ थोड़ा साइंस भी मिलाते हैं, जिससे हम जो है थोड़ा सा गैस सेव कर सके। तो मैं यहाँ पे आपको एक डेमो देना चाहता हूँ, जिसमें बिना सीटी बजाए कम गैस में प्रेशर कुकर का सही इस्तेमाल करके कैसे हम लोग चावल पका सकते हैं। ओके, तो मैंने 1 ग्लास चावल लिया है, इसको वॉश कर दिया। ओके, एंड उसके साथ साथ इससे लगभग 1.5 ग्लास पानी। ठीक है, तो अभी आप टाइमिंग को देख सकते हैं कि अराउंड इस 3:40 नाउ। तो इसके साथ हमने खाना बनाने का प्रोसेस जो है स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो शुरू में जो है हम इसको ऑन में रखेंगे और धीरे धीरे इसका जो है प्रोसीजर है उसको कैसे कंट्रोल करना है वो जरा देखेंगे। तो बेसिकली अभी जब हम ऑन कर रहे हैं तो क्या चल रहा है इस कुकर के अंदर, सबसे पहले तो ये जो कुकर जो है वो एल्यूमिनियम का बना है। ओके, और इस कुकर में जो मेन गैस है वो है सबसे ज्यादा कौन मात्रा में नाइट्रोजन, N2 नाइट्रोजन गैस। ठीक है, फिर लगभग 20% जो हवा में होता है वो है ऑक्सीजन, O2 ऑक्सीजन गैस, और जब पानी गर्म होता है तो H2O वेपर बनता है। तो अब पानी जो है वो अभी लिक्विड फेज में है, बाकी तो गैस फेज में है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, और धीरे धीरे गर्म होने पे पानी भी गैस फेस में आ रहा है जब हम उसको गर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए मैं आपको दिखाता हूं कि इस प्रोसेस में हो क्या रहा है। ठीक है, यहां पे हम लोग ये जो है टाइम भी लिख सकते हैं और यहां पे प्रेशर और टेम्परेचर। तो जैसे जैसे जब ऑन में रखते हैं, ऑन में रख रहे तो क्या हो रहा है, धीरे धीरे प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ते जा रहे हैं। ओके, मान लो हमने पूरा ही ऑन में रखा और 3 सीटी बजने दिया, तो जैसे ही सीटी बजता है तो क्या होता है, गैस रिलीज होता है और प्रेशर और टेम्परेचर घटेगा। ओके, और फिर से रीहीट होगा, फिर से सीटी बजेगा तो प्रेशर टेम्परेचर घटेगा, और फिर से सीटी होगा तो प्रेशर और टेम्परेचर घटेगा। तो जब इसको ना होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जब ऐसा लग रहा है कि प्रेशर फॉर्म हो रहा है, थोड़ी देर हम गैस को सिम में कर देंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो नया ग्राफ है जो जो मोर एनर्जी एफिशिएंट है, यहां पे हर पॉइंट में जब सीटी बजता है, विसल जब बजता है तो प्रेशर टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है और हीट भी पूरा ऑन में कंज्यूम हो रहा है। लेकिन आपको एनर्जी एफिशिएंट तरीके से बचा करना है तो शुरू में जब प्रेशर बिल्ड हो रहा है तब तक के लिए ऑन में रखें, फिर बाकी टाइम सिम में रखें, ताकि जो हाई प्रेशर है वो ही मेंटेन रहे। तो इससे आप देख सकते हैं कि हाई प्रेशर मेंटेन रहेगा तो ये एक तरह से क्लोज्ड वेसल है, तो हाई टेम्परेचर भी मेंटेन रहेगा, इसका मतलब चावल और जल्दी पकेगा, यानी आपको जो टाइम जो चाहिए वो भी आप कम कर सकते हैं। ओके,
तो होपफुली ये जो ग्राफ दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आया होगा कि क्यों ये जो 3 CT वाला जो रूल है वो बहुत ही एनर्जी एफिशिएंट नहीं है, इससे गैस कंजम्पशन बहुत ज्यादा बढ़ता है। उसके कंपेयर्ड ऑन और सिम वाला रूल है, ये है नो सीटी रूल, नो विसल रूल। तो नो विसल रूल में हम देखेंगे कि कैसे ऑन करके सिम में रख के हमें बस ये चीज ध्यान रखना पड़ेगा कि कब जो है हमें ये जो सिस्टम है उसको ऑफ कर देना है। जब एक पॉइंट के बाद हम उसको ऑफ कर देंगे तो ये धीरे धीरे अपने आप हीट जो है नॉर्मल में आ जाएगा, और तब तक के लिए पूरा टाइम हमें हाई प्रेशर बनता हुआ ही मिलेगा। तो विद दैट लेट अस होप कि जो हमारा चावल है वो सही से पक जाए, और इसका जो है हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे जब होने के बाद कि ये कैसा पका है। तो अभी धीरे धीरे मुझे इसके आवाज से लग रहा है कि इसका पीक आने वाला है, और विसलिंग जो है वो धीरे धीरे और जोर से होती जा रही है। तो मैं इसके साथ साथ थोड़ा सा इसका प्रेशर बढ़ा के मैं इसको जो है ऑफ कर देने वाला हूँ। तो आप देखेंगे मैंने मुश्किल से 5 मिनट गैस चलाया, एक भी सीटी नहीं बजी, मुश्किल से 5 मिनट गैस चलाया। आप देखिए कि अभी बंद होने के बाद भी काफी देर से जो है प्रेशर बना हुआ है, और इसके आवाज से आपको समझ में आ गया होगा कि इसकी कितनी ज्यादा प्रेशर जो है अभी इकट्ठा है। देख सकते हैं कि प्रेशर पूरा खत्म हो गया। नाउ इट्स टाइम फॉर द टेस्ट टेस्ट। तो इधर आप देख सकते हैं चावल पूरी तरीके से अच्छे से पक चुका है। कैन सी हियर कोई भी दाना बचा नहीं है। सो आई होप ये डेमो से आपको क्लियर हो गया होगा कि बिना किसी सीटी के भी हम चावल पका सकते हैं। से नो टू विस्लिंग एंड लेट्स अडॉप्ट 0 विसल मेथड। थैंक यू।